यार तुम्हारी जो लास्ट वीडियो थी भाई, अच्छी वीडियो थी। अच्छा मलिक भाई देखते हैं यार, मेरा बहुत सारे वॉइस चेंज रहते हैं भाई, आज तक एक भी वॉइस ट्राई नहीं करा। बहुत यूट्यूबर ने मेरा उल्लू बनाया भाई, मेरा पूरा नेट खत्म हो जाता था भाई यार, फिर चल जा करके। थैंक यू भाई यार, आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी थी भाई। ओके अरे यार मलिक भाई देखते हैं यार, मेरा भी पता है, मैं अपने दोस्तों के सामने बात नहीं कर सकता था, पता है फिर आपका वीडियो देखा लास्ट टाइम वो वॉइस चेंज वाला, उसके बाद में बंद करो हाथ जोड़ के। मैं राइस्टार बोलते हैं भाई, वॉइस चेंज की वजह से सब राइस्टार बोलते हैं। चुप भाई, रिक्वेस्ट ले लो भाई, प्लीज रिक्वेस्ट ले लो भाई। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सभी की गेमिंग। तो मैं आ चुका हूँ गाइस एक और नए वीडियो के साथ। तो गाइस आज वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है गाइस, क्योंकि आप लोग टाइटल थंबनेल और इंट्रो से पहले वाली क्लिप देख के तो आप समझ ही गए होंगे गाइस कि मैं आज क्या बताने वाला हूँ। हाँ भाई, आज मैं वही बताने वाला हूँ जो जिस चीज के लिए आप लोग बहुत परेशान हो यार, और बहुत लोग परेशान हो और बहुत लोगों का इसका ऊपर में इसका सोल्यूशन मिल चुका है। पर अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइस की मतलब एक एक करके बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हर फोन में आप लोग वॉइस चेंज कर सकते हो, यानी कि आप लोग राइस्टार के जैसे आवाज निकाल सकते हो, चाहे कोई भी फोन हो, मतलब मैटर नहीं करता आपका फोन लिनोवो का है या फिर कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो यार, मतलब लिनोवो का है, HTC का है, जो भी आपका फोन का नाम है गाइस, सब फोन में वर्क करने वाला है, ठीक है गाइस। तो आप देखो गाइस, मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को, वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप किए देखना, नहीं तो फिर बाद में आप लोग कमेंट करोगे भाई मेरा वर्क नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, बाद में सब मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, वीडियो स्किप करोगे भाई आप लोगों को रोना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। मैं आज आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लोग मतलब कि कोई सा भी फोन हो उसमें आप लोग वॉइस निकाल सकते हो राइस्टार के जैसा। तो वीडियो को बस एंड तक देखना। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं गाइस एप्लीकेशन के बारे में, कौन सा एप्लीकेशन। तो गाइस ये वाला एप्लीकेशन का नाम मैं नहीं लूंगा, नहीं तो मेरे को क्लेम पड़ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को ऑन कर रहा हूँ, तो फटाफट एप्लीकेशन को ऑन कर लेते हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद आप लोग कैसे कैसे इंटरफेस आएगा वो सब बताता हूँ, ठीक है चलो। तो देखो गाइस जितना भी मतलब आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा अलाव अलाव करते जाना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे जैसे जैसे बोल रहा है जहाँ जहाँ पे क्लिक करने वहाँ पे आप लोग क्लिक करते जाना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे राइट साइड में ऊपर के साइड सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और आप लोग को फाइंड करना है वॉइस चेंजर का ऑप्शन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे फाइंड कर चुका हूँ वॉइस चेंजर का ऑप्शन। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिनल पे मेरा पहले सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो आप लोग को यहाँ पे नॉटी किट पर सेलेक्ट करना पड़ेगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ गाइस। तो जैसे कि आप लोग यहाँ से आप लोग ओरिजिनल से नॉटी किट पर सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आप लोग नीचे आप लोग ऑप्शन देख सकते हो माइक का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करके रखोगे, उसके बाद कुछ भी बोलोगे तो गाइस आप लोग को यहाँ पे राइस्टार का वॉइस सुनाई देगा। पर यहाँ पे आप लोग यहीं तक खत्म बात नहीं होता गाइस, सारे के सारे यूट्यूबर इतना बता के छोड़ देते हैं, यानी कि आप लोग को ये सारे के सारे यूट्यूबर इतना बता के छोड़ देंगे, और मतलब ये तो रिकॉर्डिंग में होता है, बस आप लोग रिकॉर्ड करोगे उसके बाद आप लोग यहाँ पे कहीं से भी अपने दोस्तों को सुना सकते हो। पर ऐसा गाइस आप लोगों सिर्फ रिकॉर्डिंग में होगा, एज अ रिकॉर्डिंग होगा, एज अ इन गेम नहीं होगा, आप लोग को इन गेम करके दिखाना है। तो गाइस ये एप्लीकेशन इन गेम भी सपोर्ट करता है, अगर आप लोगों को मैं बता दूं गाइस, अगर आपका मतलब कोई सा भी फोन हो मैटर नहीं करता यहाँ पे, पर आपके फ़ोन में बस एक एक ऑप्शन होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा वो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है गाइस। अगर आपके फ़ोन में वो ऑप्शन नहीं है तो वो मैं उसके लिए भी स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग नहीं देखे हो तो वो वीडियो चेकआउट कर लेना। तो गाइस यहाँ तक तो सबको पता है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं वॉइस रिकॉर्ड मेरा होना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग पहले ये सुन लो कि ये राइस्टार जैसा आवाज़ सुनाई देता है कि नहीं। ज्ञान भाई इतना गाइस तो कोई बच्चा भी कर लेगा, कोई यूट्यूबर को बताने की जरूरत नहीं गाइस, तो कोई भी बच्चा करके बता देगा आप लोगों की ऐसा होता है एप्लीकेशन में, वाला एप्लीकेशन में। पर यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ में करके दिखाने वाला हूँ, यानी कि आप लोगों को लाइव करके दिखाने वाला हूँ, कैसे लाइव करने वाला हूँ वो सब बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। और जितने बंदे अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना, क्योंकि हम लोग इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो देखो गाइस सबसे पहले आप लोग क्या करना है, एप्लीकेशन को यहाँ पे से पूरा बीच से कट कर देना, ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपका कोई रिसेंट में एप्लीकेशन चल रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी नहीं हटा रहा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि आप लोग अभी आएगा तो यहाँ पे उसको कट मत करना, ठीक है गाइस। उसके बाद आप लोग यहाँ से साइड से स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आ जाता है, अगर आप लोगों को पता नहीं फ्लोटिंग विंडो कैसे ओपन होता है तो मैं वो भी बता दूंगा आप लोगों को कैसे ऑन करना है फ्लोटिंग विंडो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग पे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च बार पे लिखना है गाइस यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो, ठीक है। तो आपका कुछ दूसरा नाम भी हो सकता है, स्लाइड बार भी हो सकता है, या फिर और कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग वो देख लेना, जाके अपने सेटिंग पे खोजना, अगर आपके में सर्च का ऑप्शन नहीं आता है तो आप लोग वहाँ पे से फाइंड कर
लेना बहुत ईजी है गाइज, आप लोग देख सकते हो कैसे ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे, देखो हाथ कैसे बना हुआ है, देखो ऊपर में जैसे जैसे आप बता रहा हूँ आप लोग वैसे वैसे देखो और करो गाइज, ठीक है। आपके भी सेटिंग में वाला ऑप्शन होगा, अगर अदरवाइज आपके सेटिंग में वाला ऑप्शन नहीं है तो गाइज इसको ये डेवलपर ऑप्शन से ऑन हो जाता है। अगर आपको पता नहीं कैसे ऑन होता तो यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके देख लेना गाइज, आप लोग यूट्यूब में जाना सर्च करना कि हाउ टू एनेबल फ्लोटिंग विंडो, ठीक है गाइज, आप लोगों को वीडियो पता चल जाएगा, अपना फोन का नाम देखना आ जाएगा वैसे वीडियो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो आप लोग मेरा ये वाला वर्जन इसलिए आ रहा है, और आप लोग देखो गाइज मेरे पास कौन सा फोन है, मेरे पास गाइज रियलमी 7 है, और मैं रियलमी 7 में वॉइस सिंगर के बाद खेलता हूँ और सब बोलते हैं मेरे को राइस्टार, ठीक है गाइज। तो देखो आप लोग मैं कैसे कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देखो एप्लीकेशन देख लेना है कि आपका एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना फ्री फायर ऑन करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप लोग कैसे कैसे कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं वो सब मैं बताऊँगा मैं इस वीडियो में, तो देखते जाओ गाइस। देखो मैं गेम ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गेम ओपन कर रहा हूँ, तो देखो मैं मेरा राइट साइड में देख सकते हो मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पे गेम टर्बो खुल जा रहा है, यानी कि मेरा जो गेम स्पेस है वो ओपन हो जा रहा है, राइट से मैं स्लाइड कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो इस तरह का मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग का भी हो सकता है, तो आप लोग को पहले जाना है गेम स्पेस में और अपना गेम स्पेस को निकाल के फेंक देना, यानी कि आप लोग अगर कोई दूसरा फोन है तो गाइस यहाँ पे आप लोग गेम स्पेस को ऑफ कर लेना, जिससे क्या होगा गाइस वहाँ पे आपका फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेटिंग पे जाता हूँ, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे मैनेज गेम पे जाना है, उसके बाद जो आपको जो भी गेम हटाना है हटा देना। तो गाइस मैं यहाँ पे फ्री फायर मैक्स को हटा देता हूँ क्योंकि गाइस मैं फ्री फायर मैक्स में खेलता हूँ, तो यहाँ पे मैं फ्री फायर मैक्स को हटा के वहाँ पे वापस से ऑन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा नेट ऑन नहीं, मैं भूल गया था नेट ऑन करने का, तो यहाँ पे मैंने फटाफट नेट ऑन कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मेरा नेट हो जाए भाई, थोड़ा जल्दी हो जाए, बंदे बहुत देर से वेट कर रहे हैं भाई, एक जल्दी लाइक कर देना भाई लोग, थैंक यू लाइक कर दिया आपने लोगों ने, नहीं किया अरे कर दो यार भाई लोग। देखो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, तो यार अभी जल्दी जितने बंदे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना यार लाइक करो वीडियो को, ठीक है। तो देख सकते हो तुम्हारा भाई यहाँ पे इन गेम फ्लोटिंग विंडो ऑन कर दिया भाई, समझ रहे हो मलिक भाई कुछ भी कर सकते हैं गाइस। देखो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ लाइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अभी हम लोग स्क्वाड बना लेते हैं, आप लोग को स्क्वाड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे स्क्वाड करना है, ठीक है। यहाँ पे सोलो से स्क्वाड जाना है, ठीक है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ जल्दी होना भाई, क्या कर रहा है भाई, इतने रिक्वेस्ट क्यों आ रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, जल्दी ऑन हो भाई, जल्दी हो जाए, उसके बाद बंदे वेट कर रहे गाइस जल्दी करो। उसके बाद यहाँ पे मैं राइट साइड से स्क्रॉल डाउन करता हूँ, उसके बाद सीधा सीधा एप्लीकेशन ओपन हो जाता है गाइस, देख सकते हो आप लोग। उसके बाद देखो गाइस आप लोग यहाँ पे आप लोगों सबसे पहले तो यहाँ पे इसको कंफर्म करके हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस से रिकॉर्डिंग का वो था, जो रिकॉर्डिंग था वो गाइस मेरा वहाँ ऑन हो गया था, इसलिए मैं वहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को वापस से वॉइस चेंजर पे जाना गाइस, उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल से करके नोटिकेट पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे इन गेम का माइक ऑन कर लेना है, यानी कि जो आपका गेम का माइक है उसको ऑन करना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके रखना है, उसके बाद जो भी बंदे को बोलोगे गाइस वहाँ पे आप लोगों को वॉइस चेंज करके सुनाई देगा। अभी गाइस अभी कोई बंदा अगर मेरे सामने आ जाता है ना तो उसको मैं कुछ भी बोलूंगा तो राइस्टार के जैसा आवाज़ सुनाई देगा उसको, ठीक है। अभी बहुत गाइस ये ट्रिक किसी को पता नहीं गाइस, लिटरली किसी को नहीं पता है, आप अपने दोस्तों के साथ प्रैंक कर सकते हो यार ट्रिक यूज करके। अगर आप लोगों को अपने दोस्तों को बताना कि भाई मेरे पास रियलमी का फ़ोन है और फिर भी मैं अपना वॉइस चेंज निकाल रहा हूँ राइस्टार के जैसे, जबकि मेरे पास गेम बूस्टर भी नहीं है, ऐसे ऐसे आप लोग प्रैंक कर सकते हो और आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, बोलना कि मैं राइस्टार हूँ गाइस, इस तरह से प्रैंक कर सकते हो। ये वाला नया ट्रिक आया गाइस, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपली गाइस इस तरह से जैसे मैंने किया वैसे करना है। अभी बहुत ज़्यादा बंदों को ये प्रॉब्लम होता है गाइस, मैं इन गेम मतलब चाहता हूँ कि मैं जब गेम प्ले करूँ उसके बाद मतलब वॉइस ऐसा निकले, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि जैसे कि आप ये वाला विंडो ओपन हो गया है तो अजीब लग रहा है, मतलब कि मैं गेम इन गेम में ही नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कि बस लॉबी में ही वॉइस चेंज हो रहा है, तो उसके लिए फिर मैंने ट्रिक लेकर आया हूँ। तो आप लोग देखो ये मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ, आप लोग ये करोगे तो आप लोग को मतलब इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग को वीडियो पसंद आएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना भाई, बहुत मतलब भीख मांगना पड़ रहा है भाई आप लोगों के लिए, तो यार लाइक कर देना प्लीज़ भाई, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।